हमारा देखिए बाहर से पैकेज उठा के लेके चली आई। लेट्स गो इनसाइड आराम से। गुड जॉब। हाँ गेट आउट। मतलब उसको निकालो। हाँ बेटा थैंक यू। गिरा रही। लो एसी का सामान आया। बाय कर रही है मायरा। ऑल राइट बाय क्यूटू। सो गाइस मैं बस निकल गई हूँ, पहुँचती हूँ वहाँ सलोन एंड उसके बाद आप लोगों से बात करूंगी, दिखाती हूँ कैसा करा रही हूँ मैं हेयर कट। मैंने सोचा कुछ लेयर्स करा लूँ और वैसे भी मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं और काफी टाइम से लंबे, मतलब पिछले 3-4 साल से मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा शोल्डर से थोड़ा सा नीचे तक ही रखूं, क्योंकि मेंटेन करना काफी मुश्किल हो रहा है गाइज, और डिलीवरी वगैरह के बाद बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है मेरे को, तो मुश्किल है। और फिर मैंने 2 साल पहले कलर भी कराया था तो उसकी वजह से भी जो बाल हैं वो बहुत रफ हो गए हैं, तो इसीलिए जितने कलर वाले बाल बचे हैं उन्हें मैं कटवा दूंगी। तो लेट्स सी कैसा हेयर कट होता है। 7 मिनट की ड्राइविंग है सलोन तक पहुंचने की, तो ऑलमोस्ट मैं आपसे बात करते करते ही पहुंच जाऊंगी। अभी एक और खास बात, अमेरिका में सलोन सर्विसेज बहुत ही बेकार और बहुत ही एक्सपेंसिव हैं गाइस। जी हाँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है अमेरिका के सलोन सर्विसेज। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि क्यों, उसका डिटेल भी आप लोगों को दूंगी, पर चलिए पहले पहुंचते हैं वहां। तो गाइस मैं पहुंच तो गई हूँ, पर इस वाली बिल्डिंग में है या पीछे वाली बिल्डिंग में है एग्जैक्टली लोकेशन से नहीं पता चल रहा, तो मैं अंदर जाती हूँ और फिर देखूंगी इसमें है या पीछे है। गाइस ये वाली बिल्डिंग किसी दूसरे कंपनी से बिलोंग करती है, तो मैं बस गाड़ी मैंने यहाँ पार्क की है, मेरे को उस वाली बिल्डिंग में जाना है, तो मैं गाड़ी लेके ही जाती हूँ, उनके ही पार्किंग में पार्क करूंगी। सो गाइस मेरे उतने बाल ऑलरेडी कट गए, अब जाके मेरा हेयर वॉश होगा। जिनको भी नहीं पता मैं ये बता दूं कि यहाँ सलोन सर्विसेज इतने महंगे हैं कि जो लड़कियों के आईब्रोज बनते हैं तो आईब्रोज बनाने का अमेरिका में $12-15 आसानी से लग जाता है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है। तो लगा लो 1000-1200 रुपए एक आईब्रो बनाने का। आप में से बहुत सारे लोग अमेरिका आने की कोशिश कर रहे हैं या अमेरिका आना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मेरा कोर्स है अमेरिका के वीजा से रिलेटेड, अमेरिका आप कैसे आ सकते हो, किस जॉब पे आ सकते हो, किस जॉब के लिए कौन सा वीजा चाहिए, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको कौन सा वीजा मिल सकता है, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को मेरे कोर्स में मिलने वाली है। तो उसके लिए आपको जाना है fitlifebyamita.com पे, नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उस पे आपको मेरे कोर्सेस दिख जाएंगे। साथ में मैंने एक एडवांस कोर्स भी लॉन्च किया है जिसमें अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी मैं 2 कॉल असिस्टेंस दूंगी और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व करूंगी। अभी मैंने अर्ली बर्ड ऑफर चलाया हुआ है जिसमें मैं 70% डिस्काउंट दे रही हूं, तो जल्दी से जाएं एनरोल कर लें। आज के टॉपिक पे बात करते हैं। हो गया है मेरा हेयर कट और मेरे बाल आप देख सकते हो काफी छोटे हो गए। सो गाइस मेरे बाल कट गए और मैं लिटरली 6 साल के बाद मैंने इतने बाल छोटे कराए हैं, बट अपनी खेती ये बढ़ जाएंगे क्योंकि बाल बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गए थे तो जरूरी था उन्हें हटाना। सो चलिए घर चलते हैं फटाफट। सो गाइज अगर मैं हेयर कट के प्राइस की बात करूं तो $40 के अराउंड ये हेयर कट था, और अगर मैं ऑन एन एवरेज हेयर कट की बात करूं अमेरिका में तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, लड़कों का भी बहुत एक्सपेंसिव होता है, मतलब लड़कों का 20-25 से $30 के अराउंड लग जाता है इजिली, नॉर्मल जगह पे भी आप जाओगे तो, और लड़कियों का $40-50-60 के अराउंड भी लग जाता है। तो हेयर सर्विसेज अमेरिका में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू इंडिया, पर ये मुझे अच्छा लगा, बंदी भी काफी अच्छी थी, काफी फ्रेंडली थी। खैर जो प्राइस है उसके अलावा आपको टिप भी देना पड़ता है 10%, 15%, आपकी मर्जी है, तो कभी आप $5 दे दो या $10 दे दो, मर्जी है। तो हाँ $5 ऑन एन एवरेज टिप दे दिया मैंने, तो ये यहाँ का कल्चर है, टिप का अमेरिका में कल्चर है, तो मैंने $5 दे दिया, तो आप लगा लो $45 पड़ गया। तो अगर मैं INR में बताऊं तो $45 को 82 से मल्टीप्लाई कर लो, अराउंड हो जाएगा 3700-3800 के अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीज में अगर मैं बताऊं तो। बाकी आप लोग कैलकुलेट कर लेना यार कैलकुलेटर से, मैं ड्राइव करते वक्त क्या ही कैलकुलेट करूं। पर हाँ मेरा हेयर कट लग कैसा रहा ये नीचे कमेंट करके जरूर बताना, बहुत दिनों बाद मैं
छोटे हेयर कट पे गई हूँ, शॉर्ट हेयर रखा है मैंने बहुत दिनों बाद। और मैं सिग्नल पे खड़ी हूँ, यहाँ ग्रीन है पर मुझे सामने वाली गाड़ी को देखना है, और अभी गाड़ी आ रही थी तो मैं लेफ्ट नहीं मुड़ सकती। अमेरिका में लेफ्ट फ्री नहीं होता, यहाँ पे राइट फ्री होता है। तो रेड सिग्नल हो गया तो अब मैं लेफ्ट नहीं ले सकती। अब जब ये सिग्नल ग्रीन होगा और सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही होगी तभी मैं लेफ्ट ले सकती हूँ। सो गाइस मैं घर आ गई हूँ और अमायरा मेरे को देख रही है कि मम्मा थोड़ी चेंज लग रही है। कैसा लग रहा है बाल? बता भी नहीं रहा, बताइए बाल पहली बार, तुम भी बता दो। पांच साल के बाद मैं इतना छोटा कराई हूँ लिटरली बाल। यस बेटा, क्लचर दे रही है बेटू। पहले वाला बाल अच्छा था कि अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है? देखिए आगे से देखिए लुक, पहले ठीक है, ये अच्छा नहीं है। तो पापा कह रहे पहले ठीक था। बेटा तुम बताओ, नहीं करने को गिर जाऊंगा। तो हम लोग पार्क में आ गए हैं एज यूजुअल। अमायरा को लेके मैं रोज आती हूँ, और ये देखिए मेरी क्यूट बाई को। हम लोग यहाँ पे खेल रहे हैं पिकाबू गेम। ये ट्री हाउस के अंदर मैं छुप जाती हूँ, फिर अमायरा ढूंढती है। अरे मेरा बेटा, केयरफुल, नो, यू कांट क्लाइम हियर, कम हियर, गो इन द ट्री हाउस। गुड जॉब, कम हियर, मामा। यस बेटा, वेयर इज मामा? ये जो अमायरा के साथ वक्त है ना गाइस, बहुत एंजॉय करती हूँ मैं। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और हमारा वहाँ चली गई क्योंकि पीछे नाना बैठे हुए हैं, तो नाना नाना बोल के दूर से ही पहचानती है नाना को। My YouTube channel name is Fit Life by Amita. Fit Oh, do you have a YouTube channel? We don't have a YouTube channel. You can create. We do it on It's very easy. Picture. You just like take video. और गाइज ये कृष्ण जन्माष्टमी का क्लिप है, तो मैंने अमायरा को कृष्णा भी बनाया और राधा भी बनाया और दोनों तरीके से सजाया। राधा बन के अमायरा बिल्कुल खुश नहीं थी, वो लहंगा टाइप का पहन के, चुन्नी भी नहीं पहनी वो, और कृष्णा की बांसुरी से बिल्कुल परेशान थी वो, उसने बांसुरी को हाथ भी नहीं लगाया। पर जब बड़ी होके वो देखेगी अपना गेटअप तो बहुत खुश होगी, तो इसीलिए जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे अमायरा को तैयार करूं। जन्माष्टमी सेलिब्रेट करने के बाद जैसे ही नाना खाना खाने बैठे, अमायरा नानू के गोद में जाके बैठी। उसे अच्छा लगता है जब नाना खाना खाते हैं और बैठती है, थोड़ा बहुत नाना के प्लेट से खाती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी गाइज। मिलती हूँ आप सबको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे फिट, बाय बाय।